अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है फ्री की योजनाओं की बौछार लगा देती है, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली हो, पंजाब हो या फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश हो। आम आदमी पार्टी को लगता है कि फ्री की योजनाओं के दम पर वो चुनाव जीत लेगी, इसीलिए कभी बिजली बिल माफ करने की बात करती है तो कभी पानी फ्री में देने की बात करती है। गुजरात में तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने महिलाओं को कैश देने का वादा तक किया, लेकिन लगता है केजरीवाल की फ्री की पॉलिटिक्स दिल्ली और पंजाब के लोगों को ही पसंद आती है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसे सिरे से नकार दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल फ्री की योजनाओं का वादा करके दिल्ली और पंजाब में भारी बहुमत के साथ सरकार बना ली थी और अब उसकी नजर गुजरात और हिमाचल प्रदेश जीतने पर भी थी। और ये केजरीवाल की रणनीति लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने केजरीवाल के फ्री वादों को फ्री की रेवड़ियां बतानी शुरू कर दी थी, जिससे केजरीवाल बुरी तरह से बौखला गए थे। क्योंकि ये बात वो भी जानते थे कि पीएम मोदी उनके मुख्य अस्त्र की धार कुंद करने में जुट गए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की वर्षक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने एक दो बार नहीं, कई बार आम आदमी पार्टी के फ्री के वादों को रेवड़ियां बताया, जिससे जनता के बीच केजरीवाल की फ्री वाली राजनीति के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बने। और गुजरात की जनता चुनाव से पहले ही कहने लगी थी कि हम फ्री की खाने वाले नहीं हैं। इसी का असर चुनावी नतीजे में भी देखने को मिला। गुरुवार को जब नतीजे आए तो वाकई गुजरात की जनता ने केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पूरी तरह से नकार दिया और एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताते हुए इस बार उसे प्रचंड बहुमत दे दिया। बीजेपी जहां 150 का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 182 में से महज 5 सीटों पर ही जीत नसीब हुई। यानी गुजरात की जनता ने केजरीवाल की पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। हिमाचल प्रदेश में क्या है आपका हाल? गुजरात में तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर किसी तरह से जीत नसीब हो भी गई, लेकिन पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। पहाड़ी जनता ने आम आदमी पार्टी से ज्यादा भरोसा कांग्रेस पर जताया और उसे पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता सौंप दी। हिमाचल प्रदेश में ये रिवाज रहा है कि यहाँ की सत्ता 5 साल बीजेपी संभालती है तो वहीं 5 साल कांग्रेस। यानी पिछले चुनाव में बीजेपी जीत कर सत्ता में लौटी थी तो इस बार कांग्रेस का नंबर था। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो केजरीवाल और भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था,
लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में खाता नहीं खोल पाई, यानी यहां भी जनता पर केजरीवाल के फ्री वादों का जादू नहीं चल पाया। उत्तराखंड ने भी आपको नकार दिया था। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, इसी साल मार्च में एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल को सीएम उम्मीदवार बनाकर खूब जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और केजरीवाल ने भी जनता से खूब फ्री के वादे किए थे। लेकिन यहां भी केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स काम नहीं आई और जनता ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता सौंप दी। हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। 70 सीटों वाले उत्तराखंड में बीजेपी ने 47 सीट जीतकर बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन तीन राज्यों के नतीजों ने साबित कर दिया कि फ्री की योजनाओं के लालच में दिल्ली और पंजाब तो आ सकता है, लेकिन गुजरात, हिमाचल या उत्तराखंड नहीं आ सकता। वैसे एक बात और आपको बता दें, योगी के यूपी में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहां भी वो खाता नहीं खोल पाई थी। बहरहाल केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स वाली रणनीति को जिस तरह से गुजरात और हिमाचल ने नकार दिया, इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं।